तो आज हम बात करेंगे इंडक्शन मोटर के बारे में। इंडक्शन मोटर के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आज हम इंडक्शन मोटर के पार्ट टू बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम सिंक्रोनस स्पीड क्या है, ठीक है, कैसे काम करता है और स्लिप क्या होता है, रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सब बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज इंडक्शन मोटर हम खत्म कर देंगे, इससे ज़्यादा इंडक्शन मोटर के बारे में कुछ नहीं होता। अगर आपने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो आपने देख लिया तो आपको नॉलेज हो जाएगा, इसके ज़्यादा इंडक्शन मोटर के ऊपर और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंक्रोनस स्पीड। अब सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, देखो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड है उसे ही हम कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखो इंडक्शन मोटर का जो वाइंडिंग होता है ना, इस वाइंडिंग में हम जैसे ही थ्री फेस को सप्लाई देंगे तो इसका वाइंडिंग ऐसे ही किया जाता है कि ये जो इसका अंदर का जो फ्लक्स जो होता है वो फ्लक्स घूमने लगता है, ठीक है। वो फ्लक्स कॉन्टिन्यूसली सेम स्पीड पे घूमता है, वो स्पीड डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर और पोल के ऊपर, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड है, ठीक है, उसे हम डिनोट करते हैं एनएस से, ठीक है। अब सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला ये है 120 इंटू एफ बाई पी। 120 मतलब थ्री फेस आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री डिफरेंस में रहता है हमेशा। R से Y की दूरी 120, Y से B की दूरी 120, मतलब एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल अपार्ट में रहता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 120 डिग्री हमने लिया है। फ्रीक्वेंसी, F मतलब फ्रीक्वेंसी, आप थ्री फेस में जो सप्लाई दे रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर 50 हर्ज है तो हम 50 हर्ज लेंगे, ठीक है। और पोल, आपका मोटर में पोल कितना है, आप मोटर वाइंडिंग करके आता है तो उसका जो पोल डिसाइड होता है, ठीक है, तो वो पोल कितना है, चार पोल है या फिर दो पोल है। अगर पोल बढ़ेगा तो आपका सिंक्रोनस स्पीड घट जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर देखो दिखाया 120, ठीक है, इनटू एफ। एफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मतलब 50 हर्ज, और पोल हमने ले लिया चार, ठीक है। अब अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड कितना निकलता है, 1500 RPM, ठीक है, RPM रेवोल्यूशन पर मिनट, 1500 रेवोल्यूशन पर मिनट। अगर हम पोल को घटा देंगे, मतलब अगर हम चार की जगह हम दो ले लेंगे तो क्या होगा, आपका सिंक्रोनस स्पीड कितना हो जाएगा, 3000, ठीक है, 3000 RPM। तो यही है सिंक्रोनस स्पीड। अब सिंक्रोनस स्पीड हमेशा सेम स्पीड पे घूमता है। सिंक्रोनस स्पीड ऐसा नहीं है कि अभी 1500 RPM पे घूम रहा है, कुछ देर बाद 1400 हो जाएगा, 1200, ऐसा नहीं होता। एक सेम होता है, कंटिन्यूसली सेम स्पीड पे घूमता है, ठीक है। अब सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा कम होगा एनआर। एनआर मतलब रोटर का, ये जो रोटर घूम रहा है ना, देखो सिंक्रोनस स्पीड जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो रोटर घूम रहा है, ये रोटर का स्पीड भी होता है, रोटर भी घूमता है। जब रोटर का भी एक स्पीड होता है, वो स्पीड मतलब रोटर का स्पीड ऑलवेज होगा सिंक्रोनस स्पीड से कम होगा, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। रोटर का स्पीड तभी बढ़ेगा जब आप अल्टरनेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। अल्टरनेटर में क्या होता है, रोटर का स्पीड एनएस से ज़्यादा होता है, लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, इंडक्शन मोटर में क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड ऑलवेज रोटर स्पीड से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। देखो ऑलवेज एक चीज़ ध्यान रखना है, जब मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में, मतलब रोटर जब ऑफ कंडीशन में, एकदम सिंपल रोटर मतलब मोटर घूम नहीं रहा है, ठीक है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में, तब रोटर का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। जैसे ही हम सप्लाई देंगे इंस्टेंट उसी टाइम पे क्या होगा, रोटर का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। ऑलवेज ध्यान रखना, जब मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगा तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्रीक्वेंसी होगा सेम फ्रीक्वेंसी रोटर का होगा, ठीक है। अब जैसे ही मोटर घूमना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये जो रोटर का फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है स्लिप के ऊपर, ठीक है। अब स्लिप क्या है, अब स्लिप है डिफरेंस बिटवीन एनएस माइनस एनआर, मतलब रोटर का जो स्पीड है और आपका स्टेटर का जो स्पीड है, स्टेटर का स्पीड मतलब आपका सिंक्रोनस स्पीड, मैं उसी को बता रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों को बीच का जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं हम स्लिप। इसका फॉर्मूला है एनएस माइनस एनआर बाई एनएस, ठीक है। इसी की मदद से आप स्लिप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्लिप मिल जाए, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेता हूँ मेरा स्लिप निकला है 0.03, मेरा स्लिप निकल गया, ठीक है। और स्लिप के साथ जैसे ही आप अपना स्टेटर का फ्रीक्वेंसी को जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो क्या होगा, तो निकल जाएगा आपका रोटर का फ्रीक्वेंसी। जैसा कि यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करें हम, तो दिख रहा है कि देखो 1.50 आपका रोटर का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकल गया। तो इसी की मदद से आप रोटर का फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। रोटर का फ्रीक्वेंसी ऑलवेज मोटर घूमने के बाद चेंज हो जाता है। एक्चुअली ये काम कैसे होता है मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता रखा है, फिर भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ। आपका स्टेटर में हम जैसे ही सप्लाई देते हैं, थ्री फेज सप्लाई जैसे ही देते तो क्या होता है, यहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स क्रिएट होता है, ठीक है। वो जो फ्लक्स होता है, वो फ्लक्स क्या करता है, ये जो रोटर होता है, रोटर के अंदर क्या होता है, अगर आपने पिछले वीडियो में देख रखा है तो पता है ये रोटर के अंदर क्या होता है, एंड रिंग होता है। अब एंड रिंग शॉर्ट सर्किटेड होता है, ठीक है। तो क्या होता है, एंड रिंग के अंदर से क्या होता है, एक करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब जैसे ही करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, एक टॉर्क लगता है रोटर के ऊपर और रोटर घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दो वीडियो देखने के बाद आप मोटर के ऊपर पूरे तरीके से आइडिया हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आज कन्फर्म आपको आंसर दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।